फिल्लोक्लेड में आप पढ़ोगे अपनशिया को, जिसे हम नागफनी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, अपनशिया में जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लीफ की तरह दिख रहा है, बट वो एक्चुअली में लीफ नहीं है, वो स्टेम है। तो फिल्लोक्लेड में स्टेम लीफ की तरह बिहेव करने लगती है और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। यहीं पर जो आपको छोटे छोटे जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, स्पाइंस दिख रहे हैं, ये स्पाइंस लीफ बन जाती हैं। तो इस तरीके ने पेड़ ने क्या किया, अपनी पत्तियों का साइज रिड्यूस कर लिया, पत्तियों को स्पाइंस में कन्वर्ट कर लिया, और वहीं स्टेम ने क्या किया, लीफ का फंक्शन परफॉर्म कर दिया। वो मोटी थिक फ्लैशी ग्रीन कलर की हो गई कि मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी चल सकता है और यहाँ पर पानी का लॉस भी कम हो सकता है।